बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई हैव बीन टू मेडिकल्स, चलिए मैं मेडिकल करके वाकई आया हूँ। एंड वहाँ पर एक्चुअली मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, बट फिर भी मैंने बहुत कुछ शूट किया और कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था। सो मैं सोचा आज मैं शूट करता हूँ और मैं आज आपको ऑल द डिटेल्स बता दूंगा मेडिकल्स का क्या क्या होता है ज्वाइनिंग से पहले। नॉर्मली जो भी आप कंपनी में जा रहे हैं वो आपका एक मेडिकल करवाती है ऑब्वियसली। जब भी आप शिप ज्वाइन करते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं तो वो ऑब्वियसली मेडिकल जो है वो करवाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कुछ डरने की बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ सिंपल टेस्ट, एक बहुत ही सिंपल मेडिकल टेस्ट होता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी डिफेंस का जो मेडिकल टेस्ट होता है, दैट इज़ वेरी हार्ड। ये कंपैरेटिवली वेरी लो है, वेरी लो स्टैंडर्ड। आप लोगों ने बोला था इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट इन्फॉर्मेशन आप लोग तक चली जाए। और मेरे पास जहाँ पर मैं मेडिकल करवा के आया उसके थोड़े थोड़े क्लिप भी हैं, तो मैं बीच बीच में डालता भी जाऊँगा। तो मैंने क्या किया है, इस मेडिकल को डिफरेंट भाग में डिवाइड कर दिया है। सो मेरे साथ मुखर्जी है, ये भी मेडिकल्स करवा के आया है, इसका मेरे से पहले मेडिकल हो गया है। नाउ इसका मेडिकल और मेरे मेडिकल में मतलब आई थिंक 80% सिमिलैरिटी है ना। यस, मेरा एक तो एक्स्ट्रा हुआ है बस, है ना। फ्लैग स्टेट का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उसके हिसाब से ऑब्वियसली मैं जिसमें जा रहा हूँ दैट इज सिंगापुर फ्लैग स्टेट। ये तेरा कौन सा था? इसका यूके फ्लैग का। तो हर किसी का मेडिकल अलग अलग होता है, बट इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल भाग में डिवाइड कर दिया। पहले मैं आपको बताता जाऊँगा, सबसे पहले अगर आप जाते हो तो आपका होता है ब्लड टेस्ट, दैट इज़ नॉर्मल। इसका भी ब्लड टेस्ट हुआ था, मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद आता है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ऑडियोमेट्री टेस्ट क्या है मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा रिलैक्स करो। उसके बाद होता है एक्सरे, ठीक है। फिर आपका जो डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपका सब कुछ चेक करता है। नॉर्मली आपके ऐसे मतलब आपको लेटा देगा और आपको खांसने के लिए बोलेगा, फिर आपके जो लेग्स हैं थोड़ा ऊपर करके नीचे करके देखेगा, फिर आपके पल्सेस चेक करेगा, फिर ईसीजी मशीन होती है तो आपके ऊपर वो ईसीजी के जो प्रोब्स लगा दिए जाएंगे और फिर आपका ईसीजी निकलवाया जाएगा। उसी टाइम आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी करवाया जाता है। वो भी क्या है मैं आपको बता दूंगा। जब आप डॉक्टर के साथ होते हो तो आपका पूरा हिस्ट्री वो पूछता है कि कभी कुछ हुआ है क्या, कभी कोई बीमारी हुई है क्या। तो अगर कुछ भी हुआ है, फ्रैक्चर बीमारी, तो वो आप डिस्क्लोज कर सकते हो। एंड अगर वो रेक्टिफाई हो गई तो उसको वो चीज़ बता सकते हो, या अगर आप कोई बीमारी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप छुपाओगे तो जब आप शिप में जा रहे हो और अगर ऐसा कुछ मेजर चीज़ हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए तो आपको दिक्कत होगी। एंड ऑब्वियसली इनडायरेक्टली जो है वो डॉक्टर पे भी आता ही है, पे भी आता है, और प्लस कंपनी का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, कि उनको फिर अरेंजमेंट करने का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, साइन ऑफ करने का बहुत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। यस 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 यस। उसके बाद ये सब हुआ, तेरा सोनोग्राफी हुआ था इधर पहले? हाँ, इसका मेरा इस बार सोनोग्राफी भी हुआ, इसका नहीं हुआ था। उसके बाद आता है स्ट्रेस टेस्ट या स्पायरोमीटर, मतलब कि इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोले जाएं तो इट इज़ लाइक ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसका भी वीडियो क्लिप मैं आपको बताऊंगा। सो ये सब टेस्ट जो मैंने बताया, इससे एक्स्ट्रा कुछ है तेरे दिमाग में? ये दिस इज़ अ नॉर्मल टेस्ट जो होता है। अभी मैं हर एक टेस्ट को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल है, आपका ब्लड लिया जाता है यहाँ से, एंड उसमें अलग अलग टेस्ट आते हैं। हम लोग डॉक्टर नहीं हैं तो हम लोग इतना नहीं बता सकते। मतलब उसमें आपका सब कुछ चेक करेंगे, बेसिक ब्लड टेस्ट का जो भी बेसिक है वो चेक करेंगे। वो आपके हाथ में है नहीं तो जो है वो निकल आएगा, सिंपल सी बात है। फिर आपको ऑडियोमेट्री रूम में ले जाते हैं, तो एक क्लिप है मैं आपको वो भी दिखाता रहूँगा बैकग्राउंड में, आप लोग समझ जाओगे। आपको अंदर बिठाया जाता है, हेडफोन्स लगा दिए जाएंगे, बाहर बंदा बैठा होगा वो आपको उसके पास मशीन होगी जो आपको लेफ्ट या राइट में आवाज़ आएंगी, तो जब भी आपको आवाज़ आएगी तो आपको वो क्लिक करना है। कई की जगह मेरे में जो था, जो मैंने पहले ऑटोमेट्रिक किया था उसमें दोनों था, लेफ्ट में आवाज़ आई तो लेफ्ट में दबाओ, राइट में आवाज़ आई तो राइट में दबाओ। यहाँ पर क्या था, जब कोई भी जगह पर आवाज़ आई तो बस दबा दबा है, तो अलग अलग टाइप का होता है नॉर्मल एक। उसमें आपका ईयर का वो चेक करते हैं कि कैसी पावर है और कितना तक आप ऑडिबल हो, फिट हो कि नहीं देखने के लिए। फिर होता है एक्सरे, एक्सरे इज नॉर्मल, एक रूम में ले जाते हैं एंड देन आपको शर्ट खोलने के लिए बोलेंगे और एक्सरे ले लेंगे आपके चेस्ट का। नॉर्मली चेस्ट का ही एक्सरे लेते हैं। तो इसके लिए मेरे सजेशन यही है कि अगर कोई स्मोक करता है तो एग्जैक्टली मेडिकल से पहले स्मोक करके ना जाए, वो दिख जाता है एंड इट विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट, क्योंकि मेरे साथ ऑब्वियसली हो चुका है ऑलरेडी। मेरा एक दोस्त था,
वो सिगरेट पी के आ गया था और फिर ये सब आया, तो डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है वो क्या है, तो उसने बताया कि जस्ट स्मोक किया, तो चलता है। फिर जब आप डॉक्टर के साथ होते हो तो वो आपका सब कुछ पूछता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा हिस्ट्री पूछेगा आपका, जल्दी जल्दी पूछते हैं क्योंकि पास ज़्यादा टाइम नहीं होता और बहुत लोग होते हैं लाइन में, और उसी टाइम आपका वो पल्स रेट चेक कर लेता है, ECG कर लेता है, प्लस कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए भी मैं आपको वीडियो क्लिप डाल रहा हूँ पीछे, अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कलर ब्लाइंड है क्या, हम ज्वाइन कर सकते हैं? इट इज़ एग्जैक्टली नो, मुंह पे नो है। आप अगर कलर ब्लाइंड हैं तो प्लीज़ गलती से भी कोर्स ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिंपल सी बात है। आप खुद अपने कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो जज कर सकते हो। गूगल इमेजेस पे आप कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिखोगे तो आपको सेट ऑफ इमेजेस आएगा, उसमें डिजिट्स लिखे होते हैं अलग अलग कलर्स के अंदर डॉट डॉट करके, अगर आप उसको बराबर क्लियरली पढ़ पाते हो देन यू आर सेफ। तो ये है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। उसके बाद आता है सोनोग्राफी टेस्ट। सोनोग्राफी टेस्ट में नॉर्मली आपका वो लोग चेक करते हैं मोस्टली किडनी स्टोन और आपके जो स्टमक में कोई इन्फेक्शन, लीवर में एंड पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन, मोस्टली मैं देखता हूँ तो स्टोन के लिए है। और मैंने जब कल जो मैं मेडिकल में गया वहाँ पर मेरे साथ दो यंग स्टूडेंट भी थे एंड एक को अनफॉर्चुनेटली किडनी था, बट ये डरने की बात नहीं है, बेचारा वो बहुत डर गया था क्योंकि पहली बार था। इट इज़ नॉट टू गेट फ्राइटेंड, बिकॉज आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो बाय मेडिकेशन या फिर बाय योर डेली रूटीन्स, ठीक है? तो अगर आप, मैं तो नॉर्मली मतलब सुबह उठ के पानी पियो अच्छे से, अच्छे से आपको हाइड्रेटेड रखो, एंड वही शराब दारू तो यार ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होता है, तो ये एक टाइम पीरियड। पर अगर आपका ज्वाइनिंग है और अगर आपको किडनी स्टोन हो गया तो आपका जो वो शिप है वो डिले हो जाएगा, वही होता है। बहुत लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ, इवन मेरे भाई के साथ भी ऐसा हो चुका है। और जब आपका वेट और हाइट चेक करते हैं, दिस इज़ फॉर न्यू गाइस जो कंपनी आ रहे हैं। मैंने देखा था एक बंदे का वेट है 45 kg एंड उसकी हाइट थी अराउंड 5'5", तो उसका BMI बहुत लो था, तो उसको भी मतलब डॉक्टर ने क्वेश्चन मार्क दिया, बोला कि आपको BMI बढ़ाना पड़ेगा। तो जिसका ज़्यादा BMI है उसको कम करना है, जिसे कम है उसको ज़्यादा करना है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप बहुत पतले हो और आप जहाज़ पे जा रहे हो, जो मेरे साथ हुआ था फर्स्ट शिप में, बहुत एनर्जी ड्रेन होता है और आप कोप अप नहीं कर पाओगे जहाज के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? है ना, वो उधर इतना वर्क शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि आप अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो यू विल गेट टायर्ड वेरी सून। और इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, ये कोई मिलिट्री लेवल वाले फिटनेस की बात नहीं हो रही, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फिटनेस लेवल, मतलब सब नॉर्मल होना चाहिए, चिल सीन की तरह। अगर आप ज़्यादा मोटे हो तो आपको बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज वही बात हो जाती है जब आप इंजन रूम में जाओगे या फिर डेक में जाओगे, काम कर रहे हो तो बहुत पसीना ही पसीना, हालत ख़राब हो जाएगी, आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ पर काम चल रहा है, कार्गो ऑपरेशन चल रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। मेरे साथ ये फर्स्ट शिप में हो चुका है, मेरा BMI लो नहीं था बट एकदम नीचे था, तो मुझे बहुत इश्यूज़ आए थे। तो तू भी शायद बहुत पतला था, रहे तेरे को भी इशू आए होंगे, तो वही इशूज़ आते हैं आपको अपना, कुछ नहीं यार, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज कर लो, बनाना शेक पी लो, मैं तो वही किया था उसके बाद और सब ठीक हो गया था। फिर लास्ट टेस्ट आता है, दैट इज़ अ ट्रेडमिल टेस्ट, या फिर वहाँ पर लिखा था स्ट्रेस टेस्ट या स्पायरोमीटर टेस्ट, पता नहीं। सो भाई दिस इज़ अ ट्रेडमिल टेस्ट, ये सब जो आप देख रहे हैं ये मेरे ऊपर ये लोग लगाएंगे एंड मेरे को भागने के लिए बोलेंगे। अब इनके सिस्टम में वो सब मॉनिटर्ड है कि कितना मिनट भागना है, क्या है, और उसी हिसाब से मेरे अंदर के जो भी पल्सेस वगैरह, उसमें मुझे डिटेल मालूम नहीं है, वो मैं पूछता हूँ, वो सब पता करें। तो ट्रेडमिल टेस्ट में उनका सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ लिंक विद अ ट्रेडमिल, कंप्यूटर लिंक विद अ ट्रेडमिल। आपको वो ट्रेडमिल पे खड़ा कर देंगे और आपको शर्ट ओपन करके वहाँ पर प्रोब्स लगा देंगे हर जगह। तो जितना मैंने डिस्कस किया वहाँ पर डॉक्टर से, डॉक्टर ये बताता है इट विल चेक योर हार्ट कंडीशन व्हेन यू आर रनिंग, मतलब हर रनिंग स्पीड पे आपकी हार्ट कैसे पंप इन पंप आउट कर रहा है, उतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं, बट वो रिपोर्ट कंप्यूटर पे आ जाती है। तो मुझे अराउंड 4 से 7 मिनट दौड़ाया था विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, हर 2 मिनट में स्पीड चेंज हुई थी, और फिर उनका जो एक प्रिंट आउट आ गया था एंड डन। बहुत लोग नॉक नीज के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए क्या, ये तो फिजिकल टेस्ट में डॉक्टर ही देख लेते हैं जब भी उधर, बट नॉक नीज यार मेरे को तो कभी देखा नहीं,
देख नहीं कोई देखता नहीं है नौकनीज का. मुझे लगता है जब आप कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो स्पेशली बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में तो वो लोग शायद देखते होंगे, बट मुझे लगता नहीं आपको डरना चाहिए इस बात को लेकर के. इट इज चिल सीन. स्पेक्टिकल्स होता है उसका भी कुछ. हाँ वो एक चीज मैं भूल गया, एक चीज भूल गया, वो लोग आपको आईज आईज टेस्ट भी करवाते हैं, आई टेस्ट भी करवाते हैं. ऑब्वियसली अगर आप डेक साइड में, आपको तो पावर मतलब होना ही नहीं चाहिए. अगर आपका है तो आपको लेजी का ऑपरेशन करवाना है. इवन जो जीएमई वाला कैंडिडेट भी आए थे उनको भी बोला गया है कि आपको लेजी का ऑपरेशन करवाना है, बट वो एक टाइम फ्रेम दे देते हैं कि मतलब कोर्स ज्वाइन कर रहे हो उससे पहले आपको लेजी का ऑपरेशन करवा लेना है. क्योंकि अभी बोलते हैं इंजीनियर्स को 6x9 वो बाद में, बट पहले स्टार्टिंग में आपको 6x6 होना बहुत ज़रूरी है. उनको भी बोल रहे थे आईस के टेस्ट को लेकर के. तो कभी देखो मेरे जो भी मेडिकल हुए हैं, कई कई मेडिकल बहुत डीप मेडिकल थे, मतलब वो एकदम अच्छे से थॉरो चेक कर रहे थे. और कई कई मेडिकल बस नॉर्मल थे, ब्लड टेस्ट लिया, वेट हाइट चेक किया और आगे. तो वही डिफरेंस होता है फ्लैग स्टेट के हिसाब से, जैसे मुखर्जी ने बताया. एंड ऑल्सो ब्रदर्स रिगार्डिंग ब्लड टेस्ट, मेरे को ये लगता है कि आप लोगों का मान लो अगर अभी जैसे होली का त्यौहार आ रहा है तो हम लोग बहुत जन है जो थोड़ा भांग पीते हैं, मजा करते हैं. yes, yes. तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में अगर आपका मेडिकल टेस्ट है तो मैं यही रिकमेंड करेगा कि आप लोग एक एटलीस्ट 1 week बिफोर दैट कोई नॉर्मल ड्रग, चाहे पैरासीटामोल हो या दूसरा कुछ, अगर ऐसा आपका बीमारी नहीं है तो आप उसको ना ले, क्योंकि वो ब्लड टेस्ट में आता है और फिर वो सवाल पे सवाल आता है कि ये क्या है, वो क्यों है. यस यस. अल्कोहल जो है वो 24 घंटे शायद रह जाता है, बट जो भांग है वो यार वो तो 25 से 30 दिन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप रह जाता है. तो सोच लो, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है और कंपनी बहुत क्वेश्चन करती है इस चीज़ को लेकर के और आपको निकाल भी सकती है. ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं अपने आप. ठीक है, तो सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट जो भी मेरे साथ मेडिकल में हुआ. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर देना. एंड होप अगर किसी को ये चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.